अफजल गुरु चिल्लाता रहा, बोलता रहा कि मैं नहीं हूँ, मास्टरमाइंड देवेंद्र था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कर। अब पकड़ा गया नहीं, 2019 में मोदी सरकार ने उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा था और 2020 में पकड़ा जाता है। 11 पाकिस्तान के जासूस पकड़े गए, कोई त्रिवेदी था, कोई चतुर्वेदी था, कोई शर्मा था, सारे ब्राह्मण थे। पकड़े गए नहीं पकड़े गए, कोई हिंदू नहीं था, तो कहाँ मर जाता है कलंकित मीडिया उस वक्त जब ये दलाल पकड़े जा रहे होते हैं। अर्णब गोस्वामी इतनी बदतमीजी से बोला था, इतनी जहालत से बोला था, वो तो पक्का वाला आरएसएस का पिल्ला है और बिठा भी बेवकूफों को लिया। किसी मुझसे करें ना डिबेट, मुझसे करें, मैं चैलेंज करी, मुझे बुलाएं मुझे, अमन रिजवी को बुलाएं, मैं जाहिल हूं, नहीं पता मुझे कुछ, लेकिन संविधान पता है मुझे। आगे जाएंगे हम 95 करोड़ भारतीयों को बचाकर जाएंगे जो बिल्कुल खतरे में, जो मरने की कगार पर हैं। ये मोदी सरकार की एक स्ट्रेटजी है, ये हमें मारने के चक्कर में, हमें गुलाम बना लेगी, मार देगी। सर ये तो कोरोना के आड़ में जितना भयंकर गेम मोदी सरकार ने खेला है, शायद इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आपने कोरोना को ऐसे प्रमोट करा जैसे मौत बढ़ रही थी, और बदकिस्मत ये है कि कोरोना का कोई केस भी नहीं आया। आप जाकर देखिए शाहीन बाग पर किस कदर लट बजा रखा है पुलिस ने, और लट बजा कर शाहीन बाग ख़त्म कर दिया, जामिया यूनिवर्सिटी में लट बजाया, प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया, ईदगाह पे लट बजाया, प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया, जाफराबाद में हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले उतरे हुए हैं, छावनी बना दी। वैसे ये कहते हैं कि 5 लोग आपस में जुड़ के ना बैठें, कोरोना हो जाएगा। तो कोरोना सिर्फ मुसलमानों के लिए है? कोरोना सिर्फ दलितों के लिए है? कोरोना सिर्फ लोअर क्लास कास्ट के लिए? कोरोना पुलिस वालों को नहीं होगा? कोरोना CRPF की जो फर्जी फौज आपने उतारी है वर्दी पहना पहना के, उनको नहीं होगा? तो कितना बेवकूफ़ बनाएंगे मोदी जी आप, और कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? आप कह रहे हैं थाली बजाओ और ताली बजाओ, कोरोना चला जाएगा, तो क्या करना चाहते हैं? अब तो आप खुश हो जाइए, आपने जुल्म करा, आपने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया, आपने डेमोक्रेसी को कत्ल कर दिया, और कितने कत्ल करेंगे आप? शाहीन बाग में जो सामानें थी, कहा जा रहा है कि वहां पर 200 बोरी आसपास अनाजें थी, वो तक नहीं छोड़ा वहां पर। क्या कोरोना के नाम से पहले इससे ही तय तमन्ना की गई थी कि कोरोना के नाम से पूरा शाहीन बाग को खत्म किया जाएगा, वहां के आवाम को मारा पीटा जाएगा? सर जब ट्रंप आया था, अगर आप जानते हो ट्रंप आया था, तो ट्रंप इसी स्ट्रेटजी के पीछे आया था। वो कोरोना लेकर आया था, कोरोना का भय लेकर आया था, कोरोना वायरस नहीं लाया था। मोदी ने उसके साथ मिलकर कोरोना को प्रमोट करने का प्रोग्राम बनाया था और इनको फंडिंग हुई थी। कोरोना का जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इलाज करा गया, सिर्फ इतना करा गया कि मोबाइल में केजरीवाल की खांसी लगा के छुट्टी, सेलिब्रिटी को पैसे दे के छुट्टी, उनसे प्रमोशन करा के छुट्टी, वैसे कुछ नहीं करा। सैनिटायर महंगा कर दिया, मास्क महंगे कर दिए, करा क्या इन्होंने? कुछ नहीं करा। अब आप देखिए कि बटला हाउस का इतना बुरा हाल कर रखा है कि गलियों तक में बैरिकेड लगा दिए गए और पुलिस वाले इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, अगर कोई निकल भी रहा है तो क्या हमने अपने राशन बन रखे हैं? अभी मैं जामा मस्जिद की तरफ से आई थी, जामा मस्जिद को पूरा सील कर दिया, पूरे बैरिकेड लगा दिए, यानी जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है इन्होंने वहाँ बैरिकेड लगा के बंद कर दिया, और जहाँ जहाँ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है। लाजपत में जाकर मैंने देखा कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, आराम से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यानी कि आप कहिए कि कोरोना सिर्फ आप मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाए हैं, आप दलितों को बर्बाद करने के लिए आए, कब तक आप ये ड्रामा करेंगे? आप नहीं कर सकते इतना जुल्म, और जो जुल्म करेगा बर्बाद होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी बैठा हुआ है। आप मत बनिए खुदा हमारे, आप मत बनिए हमारे आका, हम आप जीत के दिखाएंगे। जैसे चाइना को अमेरिका ने बर्बाद करने की कोशिश करी, एक हफ्ते से देखिए चाइना में कोई केस नहीं है, लेकिन कोरोना का नाम बिक रहा है। आप देखिए चाइना, उसका अमेरिका की लड़ाई ईरान से थी, उसने वो वहाँ पे भी जाकर स्प्रेड कर दिया, तो ये कोरोना वहाँ वहाँ क्यों गया जहाँ जहाँ कोरोना चाइना की ट्रेडिंग थी? कोरोना और जगह क्यों नहीं जाता? साफ है कि अमेरिका ने, इसराइल ने और ब्रिटेन ने मिलकर चाइना को मारने के लिए ये एक जैविक हथियार के तौर पर यूज़ करा, और भारत को बर्बाद करने के लिए ये मोदी कर रहा है इसको यूज़, ताकि यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, मैं वेरी फर्स्ट डे से कहती चली आ रही हूँ कि दुनिया की तारीख में जब से बनी है और जब तक बनेगी, ना तो ऐसा इनकलाब आया है ना आएगा। 350 प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में औरतें चला रही थी, पीसफुल चला रही थी, जिनको कोई लीड नहीं कर रहा था, और आए दिन ये मोदी सरकार उनको मारती थी। यूपी में देखिए योगी ने कितनी उतरा औरतों को मारा, 80-80 साल की औरतों के सर फाड़ दिए, बच्चों को मार दिया, कितने बच्चे कितनी औरतें मर गए, लेकिन हम फिर भी चुप नहीं बैठे। अब ये कोरोना वायरस के टेरर में लेकर आए और जबरदस्ती दादागिरी से इन्होंने हमें पकड़ पकड़ कर उठाया, तो कितना जुल्म करेंगे आप? है कोई, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? नहीं डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र चैनल था है, और वो अगर साथ दे रहा है तो उसको मारने की धमकियां मिल रही हैं, देव को मारने की धमकियां मिल रही हैं, मुझे मारने की धमकियां।
मिलने, यानी जो कह रहा है कि हमें बचाओ, हमें प्रोटेक्ट करो, हम भारतीय हैं, तो ये हमें मार देंगे? कौन सी डेमोक्रेसी है? मैं दुनिया से कहती हूँ, आइए प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमें बचाइए, हमारे खिलाफ, हमारे हक में आवाज़ बुलंद करिए। हमें आप ही का सहारा है, हमें मोदी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें योगी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें आरएसएस से कोई उम्मीद नहीं है। ये दल्ले पिल्ले हमें मारने पर तुले हुए हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि तीनों फौज जो है इनके हाथ में, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुसलमानों और दलितों के पीछे सरकार क्यों लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। पूरे मुल्क में जो अफरातफरी का माहौल है, शाहीन बाग को ख़त्म किया और तमाम जगह भी ख़त्म करने की साजिश चल रही है, बिहार को टारगेट कर रहे हैं, वजह क्या जो मुसलमान दलितों के पीछे लग गई? सर, मुसलमान जो है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें, मुसलमान दलितों से भी नीचे है। दलित तो नीचे हैं ही, अब दलित भी अवेयर हो रहे हैं, मुसलमान भी अवेयर हो रहे हैं। अगर आपने देखा 15 फरवरी में कितनी बुरी तरह दलितों को काटा गया था, कानपुर पे कितना मारा गया था। अभी महाराष्ट्र का एक केस सुनिए, पूरी फैमिली को इन्होंने, ब्राह्मणों ने घर में घुस के रात को सबकी गर्दनें काट दी, तो दलितों को टेरर पैदा करने के लिए, ताकि ये तो वही है कि स्ट्रेटजी इनकी कि ये शूद्र को प्रमोट करेंगे, ये मनुवाद को प्रमोट करने के चक्कर में है। और हम जो है भीमराव अंबेडकर का कानून बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आए हैं, हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम ये अंबेडकर के लिए खड़े हुए हैं, हम अंबेडकर साहब का कानून बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए निकले। और मैं सबसे कह रही हूँ, प्लीज़ आइए, मरने के लिए ही आ जाइए, ये संविधान की लड़ाई है, प्लीज़ आइए, हम संविधान बचाने निकले, आइए हमारे साथ आइए। आज जो है पीएम मोदी, यानी कि 24 तारीख को शाम को जो है वो अपना संबोधन करना चाहते हैं देश को, क्या शाहीन बाग को लेकर भी कुछ संबोधन करेंगे क्या? सर वो नहीं करेंगे, शाहीन बाग को कोरोना वायरस से खिलवा दिया इन्होंने, तो कितना करेंगे, कितना जुल्म करेंगे, आप नहीं कर सकते। आप जुल्म, संबोधन तब क्यों नहीं करा था जब आप दिल्ली को जलवा रहे थे, मरवा रहे थे, कटवा रहे थे? संबोधन आप जब क्यों नहीं करते जब दलित समाज पे आप हमला करवाते हैं, मॉब लिंचिंग दलित समाज से करवाते हैं? संबोधन आप हुकूमतें जब क्यों नहीं करती जब सरदारों को दिल्ली में इतनी बुरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में चुन चुन के मारा गया था? संबोधन आप जब क्यों नहीं करते जब 15 दिन में हर किसान, एक दिन में 15 किसान सुसाइड करते हैं? संबोधन आप जब क्यों नहीं करते जब GDP आपने जीरो कर दी? संबोधन आप जब क्यों नहीं करते जब भुखमरी फैल रही है? तो क्यों नहीं करते संबोधन आप? सिर्फ अपने ड्रामेबाजी करते हैं, आप आ जाते हैं और तालियां और थालियां बजवा के आप सोचते हैं कि आपने देश के लिए बहुत अच्छा करा। इस तरह नहीं होगा, हम भारत को बचाने निकले और भारत को बचा के निकलेंगे। पूरी दुनिया से हमारी अपील है, प्लीज आए हमारे लिए आवाज बुलंद करें, दिखाएं कि भारत में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लेडीज के साथ क्या हो रहा है, हम दलित भाइयों के साथ क्या हो रहा है, हम OBC के साथ क्या हो रहा है, वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा है। प्लीज आइए, हमें ज्वाइन करिए। मैं दलित समाज से भी कहूंगी, आप अवेयर हो जाइए, आप मरने के लिए आ जाइए, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को भारत में एक इज्जत की जिंदगी दे सकें। फारूक अमर अब्दुल्ला और महबूबा को नज़रबंद कर दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है महिलाओं पर जुल्म ढा रही है। सर अगर आप भी देखें, ये तो खुद ही BJP से मिलकर इन्होंने सरकार बनाई थी, उसके बावजूद सिर्फ इनके नाम से BJP डर गई, क्योंकि इनके नाम के आगे अब्दुल्ला लगा हुआ है, उमर अब्दुल्ला लगा हुआ है, और इनको पकड़ के जेल में डाल दिया, और अभी तक शायद कुछ नज़रबंद हैं। तो ये तो जो भी कुछ भी बोलेगा, इनको खतरा होगा, पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, और इनके ही नेता हमें कुछ भी कहें, मारो काटो कुछ भी कहें, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। अभी मैं भी TV का एक डिबेट देख रही थी, उसमें अर्णब गोस्वामी इतनी बदतमीजी से बोला था, इतनी जहालत से बोला था, वो तो पक्का वाला RS का पिल्ला है, और बिठा भी बेवकूफों को लिया। किसी मुझसे करें ना डिबेट, मुझसे करें, मैं चैलेंज करी, मुझे बुलाएं, मुझे अमन रिजवी को बुलाएं, मैं जाहिल हूं, नहीं पता मुझे कुछ, लेकिन संविधान पता है मुझे, मुझे पता है अंबेडकर कोई थे, मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ होता है। बुलाएं मुझे, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, मुझसे करें ना, मुझे बुलाएं, चैनल वाले क्यों नहीं बुलाते, बुलाएं ना मुझे, मुझसे क्यों डर रहे हो, बुलाओ मुझे, मैं तो जाहिल हूं, टेंट हाउस वाली हूं, मुसलमानों में तो दलित हूं भाई, मैं तो अमन चौधरी हूं, मुझे बुला लो भाई, मैं अमन कुमार हूं, मैं अमन चौधरी हूं, क्योंकि मैं इस भारत की बेटी हूं, मैं हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ भारतीय हूं, मुझे बुला लो भाई। सुधीर चौधरी भी लगातार प्राइम टाइम में आज शो करेंगे, सुबह उन्होंने कहा कि शाहीन बाग खत्म, यानी कि देश का आतंकवाद का अड्डा खत्म। सर सबसे बड़े आतंकवादी तो ये हैं, 100 करोड़ की देखा तो है, तिहाड़ी था, 100 करोड़ की लेके पकड़ा गया था, 100 करोड़ की रिश्वत ले रहा था ये। अगर आपको याद हो कश्मीर का DCP पकड़ा गया था, देवेंद्र सिंह, कश्मीरी आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था, और खुले सबूत मिले हैं, संसद पे हमला उसने करा था, और बेचारा अफजल गुरु को चढ़ा दिया उन्होंने फांसी पे। अफजल गुरु चिल्लाता रहा, बोलता रहा कि मैं नहीं हूँ, मास्टरमाइंड देवेंद्र था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब पकड़ा गया नहीं, 2019 में मोदी सरकार ने उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से था, और 2020 में पकड़ा जाता है। 11 पाकिस्तान के जासूस पकड़े गए, कोई त्रिवेदी था, कोई चतुर्वेदी था, कोई शर्मा था, सारे ब्राह्मण थे, पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, कोई हिंदू नहीं था। तो कहां मर जाता है कलंकित मीडिया उस वक्त, जब ये दलाल पकड़े जा रहे होते हैं, सिर्फ शाहीन बाग को टारगेट करे जा रहे हैं, जिहादी जिहादी जिहादी, अरे हमने किसको मार दिया, किसको कर दिया? तुम सिर्फ एक आवाज से डर गए, हम संविधान बचाने के लिए, तुम संविधान को बर्बाद करना चाहते हो, तुम इस तरह ड्रामेबाजी बंद करो। मैं लोकतंत्र चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाहती हूं कि प्लीज बॉयकॉट कर दें आप इस कलंकित मीडिया का, सब
अपने डिश वालों को कहते हैं हटा दे, बैंकों से पैसा निकाल लें, जियो को पोर्ट कर दें। ये अंबानी की सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है, अदानी की सरकार है, इन्होंने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा, अभी हमारी सांस तक छीनने के चक्कर में। हाँ, हम मरने के तैयार है, आर्मी आपकी, फौज आपकी, मार दीजिए हमें, लेकिन हम भारतीय होकर ही मरेंगे। क्या दोबारा शाहीनबाग तैयार किया जाएगा कोरोना के डर से, जो या कोरोना के चलते जो हटाया गया है शाहीनबाग हो, बेरी वाला प्रोटेस्ट हो, तमाम चीज़, क्या उसको फिर से रीओपन करेंगे ये लोग संविधान की सुरक्षा के लिए? सर करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को आप गुलाम बना सकते हैं, हमारी सोच को गुलाम नहीं बना सकते। आप हमें पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, हमारे दिमाग को जेल में नहीं डाल सकते, आप हमें गुलाम नहीं कर सकते। हम आवाज़ उठाएंगे, हम आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमें अपना भारत बचाना है, हमें अपना संविधान बचाना है। हम मरने के लिए आए हैं, भीमराव अम्बेडकर का कानून बचा के जाएंगे, हम 95 करोड़ भारतीयों को बचा कर जाएंगे जो बिल्कुल खतरे में, जो मरने के कगार पर हैं। ये मोदी सरकार की एक स्ट्रैटेजी है, ये हमें मारने के चक्कर में, हमें गुलाम बना लेगी, मार देगी। और आज भी मैं इतने खतरे में आई हूँ, मैं अपने घर से 30 किलोमीटर आके इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरे पीछे बहुत दुश्मन है, पूरी आरएसएस है, मुझे मारने की पूरी साजिश है, मुझे बहुत, मैं नहीं बता सकती मैं कितनी टेंशन। रात भी मैं हॉस्पिटल में थी, उसके बावजूद मैं अपने संविधान बचाने के लिए आज आपके सामने हूँ और आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, प्लीज़ करें बॉयकॉट, सब चीज़ों का बॉयकॉट करें, नेशनल चैनल का बॉयकॉट करें, सिर्फ अगर आपको देखना है यूट्यूब देखें, अच्छे अच्छे चैनल देखें, रवीश कुमार को देखें, लोकतंत्र को आप फॉलो करें, दिखाएं कि वो किस तरह आपकी आवाज़ बना हुआ है। देव चौधरी को बार बार मारने की धमकी मिलती है और देव चौधरी बराबर कॉन्स्टिट्यूशन बचाने में इतना बड़ा रोल अहम अदा कर रहा है, और हम भी उसकी, देव चौधरी की बहनें हैं, हम भी अदा कर रहे हैं। प्लीज़ आइए, हमें ज्वाइन कीजिए, हमें फॉलो कीजिए।